पीपीएफ, आवर्ती जमा, आरडी और सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारकों के लिए अनिवार्य न्यूनतम जमा की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाता में 2019 और 20 के लिए अनिवार्य न्यूनतम जमा 30 जून तक किया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश के लिए लागू लॉकडाउन को देखते हुए छोटी बचत वाले जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाताधारकों के लिए प्रावधानों में ढील दी है। इन खातों को सक्रिय रखने के लिए जमाकर्ताओं को हर साल एक तय न्यूनतम राशि जमा करानी होती है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में जमाकर्ताओं से विलंब शुल्क लिया जाता है और आमतौर पर जमाकर्ता वित्त वर्ष के अंत में इन योजनाओं में जमा कराते हैं क्योंकि उन्हें आयकर कानून की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। लेकिन अब